हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सिविल इंजीनियरिंग गेट 2019 में 4 सेशन में पूछा गया था फॉर 1 मार्क। एंड द क्वेश्चन इज अ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट एच रिटेन्स बैकफिल एट एन एंगल ऑफ बीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एंड मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बी ए एक्स एट एच बाई थ्री फ्रॉम द बेस एट एन एंगल 5 विद द हॉरिजॉन्टल, जहाँ पर पी ए आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर है, ये एक्टिव अर्थ फोर्स में कह सकता हूँ, और h इज द हाइट दिया गया है, और बीटा जो है ये एंगल ऑफ बैकफिल दिया गया है, और फाइव मैं जानता हूँ इट मींस एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस है। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, और तो इसमें से मुझे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो मैं जानता हूँ यदि मेरे पास एक रिटेनिंग वॉल है, और ये रिटेनिंग वॉल सपोज आपका जो बैकफिल है वो इंक्लाइंड बैकफिल को रिटेन कर रहा है, इन दैट कंडीशन यदि मैं मान लूँ कि ये बीटा एंगल पर रिटेन कर रहा होगा, सपोज ये बीटा एंगल पर रिटेन कर रहा है बैकफिल को, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होने वाला है, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो कुछ इस फैशन में होने वाला है कि आपका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस फैशन में होने वाला है, और ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये ट्रायंगुलर होगा, और ये जो एंगल पे होगा दिस एंगल विल बी योर बीटा, वेयर बीटा इज द एंगल ऑफ योर बैकफिल। मतलब आपका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये भी कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगा, बीटा एंगल पर इंक्लाइंड होगा। यदि मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, ऑफकोर्स मैं बात करूँगा यहाँ पर एरिया की, कि ट्रायंगल का एरिया निकालूँ और मैं उसके अंदर हाफ के गामा एच स्क्वायर का फॉर्मूले की बात करूँ, जहाँ पर एक्टिव अर्थ फोर्स जहाँ पर लग रहा होगा वो एक्टिव अर्थ फोर्स यहाँ कहीं पर लग रहा होगा। तो ये हो गया आपका एक्टिव अर्थ फोर्स की वैल्यू, जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पी ए के फॉर्म में। अब मुझे ये निकालना है, ये पूछा गया था कि ये कितने एंगल पर लग रहा है और बेस से कितनी हाइट पर लग रहा है। तो मेरा आंसर ये रहेगा कि ये जो फोर्स लग रहा है ये ऑफकोर्स आपका h बाई थ्री पर लग रहा है, क्योंकि ट्रायंगल जो भी होता है वो बेस से h बाई थ्री पर माना जाता है cg उसका। और यहाँ पर मेरे पास ये जो इंक्लाइंड है वो इंक्लाइंड है आपका फोर्स एट एन एंगल ऑफ बीटा, मतलब इस हिसाब से h बाई थ्री फ्रॉम द बेस एंड एंगल इज बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन मैच कर रहा है, हो सकता है जो ऑप्शन मैंने लिखा है ये सफल हो चुके हैं, क्योंकि एक मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है मेरे पास। तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर मैच कर रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पी ए एक्स एट h बाई थ्री फ्रॉम द बेस एट एन एंगल ऑफ बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। फॉर 1 मार्क इट वॉज आस्क्ड। थैंक यू।